गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम कक्षा 7 हिंदी का अध्याय 4 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है हरी हरी धूप पर। अब हरी हरी धूप आप सबने देखी होगी, तो ये कविता है और यह कविता अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखी है। इस कविता में ओस की बूंदों के बारे में बताया गया है कि ओस की बिंदे कवि के मन को कितनी अच्छी लग रही है। तो इस कविता को पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना होगा कि इस संसार में दृश्यमान वस्तुएं शाश्वत नहीं है, वे नश्वर है। इस संसार में कुछ ऐसी वस्तुएं भी है जो हमेशा नहीं रहती, जो कभी ना कभी क्या होती है, नष्ट हो ही जाती है। ये हमेशा अमर नहीं होती, कभी नष्ट हो ही जाती है। इनमें से कई चीज़ें तो एक निश्चित काला अवधि तक ही हमारे सामने रहती है। क्या होता है, कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है जिनका कुछ समय होता है, और जब उनका समय समाप्त हो जाता है तो वे भी क्या होती, नष्ट हो जाती है, और कुछ समय से पहले ही नष्ट हो जाती है। अतः उनके अस्तित्व को, उनका जो अस्तित्व है उसका हमें आनंद उठाना चाहिए। यदि हम छोटे छोटे सुंदर वस्तुओं की अवहेलना करेंगे तो जीवन की कई खुशियों से हम वंचित रह जाएंगे। तो अगर हम छोटी छोटी वस्तुओं, सुंदर वस्तुओं का आनंद नहीं लेंगे तो वो वस्तुएं दोबारा हमारे जीवन में नहीं आएगी, और हम जो खुशी हमें मिलने वाली है उससे हम क्या जाएंगे, दूर हो जाएंगे, उनसे हम वंचित हो जाएंगे। तो हरी हरी धूप पर, यह महीना कौन सा है, सितंबर अक्टूबर का वार का महीना, यानी कि आशीवन का महीना, जिसे हम आशोज बोलते हैं हिंदी महीनों के नाम से, आशोज यानी कि अश्विनी का महीना, और अंग्रेजी महीनों के हिसाब से सितंबर और अक्टूबर के महीने की बात है कि उस महीने में हमें प्रकृति का कैसा रूप दिखाई देता है। अश्विनी का जो महीना होता है, आशीवन जो महीना होता है, आशोज का जो महीना होता है, सितंबर अक्टूबर का जो महीना आता है, उसमें हमें प्रकृति का कैसा रूप दिखाई देता है, तो वो हमें इस कविता में बताया गया है। इस कविता का उद्देश्य क्या है कि जीवन जीने के लिए सही सोच, छोटी छोटी खुशियों की तलाशना और उनका आनंद लेना, प्राकृतिक सौंदर्य का अवलोकन करना यानी प्राकृतिक सुंदरता के बारे में जानना, उसका आनंद उठाना आदि का महत्व इसमें बताया गया है। तो हमारी कविता हरी हरी धूप पर, ओस की बूंदें अभी थी अब नहीं है। उन धूप पर क्या है, ओस की जो बूंदें थी वो कुछ पल के लिए थी, और कुछ पल में क्या होगी, वो नष्ट हो गई। कवि कहता है कि जो मैं ओस की बूंदें देख रहा हूँ वो मुझे कुछ समय के लिए दिखाई दी, और पल भर में क्या होगी, वो नष्ट हो गई, मैं उनको अच्छी तरह देख भी नहीं पाया। इसी प्रकार के हमारे जीवन में जो खुशियां हैं वो कुछ पल के लिए ही आती है, सुख और दुख दोनों ही हमारे जीवन में कुछ पल के लिए आते हैं, इसलिए हमें उन्हें सहने की शक्ति होनी चाहिए। ऐसी खुशियां जो हमेशा हमारा साथ दे, कभी नहीं थी कभी नहीं है। भी जो खुशियाँ हम ये नहीं चाहते कि ना ही मनुष्य के साथ ऐसा होता कि वो हमेशा खुश रहे, भी हमेशा खुशियाँ उसके साथ रहे, उसके जीवन में कष्ट और दुख भी ज़रूर आते हैं। कवार की कोक से फूटा बाल सूर्य जब पूरब की गोद में पांव फैलाने लगा, तो मेरी बगीचे का पत्ता पत्ता जगमगाने लगा। कवार की कोख से, यानी कि आशोज का जो महीना होता है, उस महीने में बाल सूर्य यानी सूर्य रूपी बालक पूर्व दिशा से निकला, और पूर्व दिशा से निकलने के बाद उसने अपने चारों ओर अपना प्रकाश फैला दिया। उसी प्रकाश के कारण क्या हुआ, कवि कह रहा है कि मेरे जो बगीचा है उसका जो पत्ता पत्ता है वो जगमगाने लगा।
यानी कि चमकने लगा। सूरज की किरणों से पेड़ पौधों के हरे हरे पत्ते जगमगाने लगे। मैं उगते सूर्य को नमस्कार करूं या उसके ताप से भाप बनी ओस की बूंदों को ढूंढूं। कवि कह रहा है कि मैं क्या करूं, मैं दुविधा में हूं कि मैं सूर्य को नमस्कार करूं या उसकी गर्मी से जो ओस की बूंदें भाप बनकर उड़ने वाली है या उसको रोकूं। कि मैं उन ओस की बूंदों का भी आनंद उठाना चाहता हूं जो मुझे दिखाई दे रही है। सूर्य एक सत्य है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता, मगर ओस भी तो एक सच्चाई है। यह बात अलग है कि ओस क्षण क्या, क्यों ना मैं क्षण क्षण को जीऊँ, कण कण के बिखरे सौंदर्य को पीऊँ। कि सूर्य क्या है, एक सच है, सत्य है कि सूर्य उदय और अस्त होना ही है, और यह बात झूठी नहीं है। इसे असत्य नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि यह सत्य है कि सूर्योदय होगा भी और सूर्यास्त भी होगा। मगर जो ओस की बूंद है वो भी क्या है, कभी कहते उसे भी एक सच्चाई मान लो। कि ये बात तो अलग है कि वो ओस की बूंद पल भर के लिए है, इसलिए क्यों न मैं इस ओस की बूंद का आनंद लूँ, इसे निहारूँ, इसे देखूँ। इसके कारण जो प्रकृति में सौंदर्य बिखरा है उसका मैं आनंद लूँ। सूर्य तो फिर भी उगेगा, धूप तो फिर भी खिलेगी, लेकिन मेरी बगीचे की हरी हरी धूप पर ओस की बूंद हर मौसम में नहीं मिलेगी। आखिरकार कवि ने यही कहा कि सूर्य तो फिर भी उगेगा, सूर्य के दर्शन तो मुझे फिर भी हो जाएंगे, और जब सूर्य के दर्शन होंगे तब धूप भी खिलेगी, लेकिन मेरे बगीचे में इन हरी हरी धूप पर जो ओस की बूंदें हैं वो मुझे हर मौसम में नहीं मिलेगी। ये तो मुझे इस आसोज अश्वनी के महीने में ही मिलेगी, सितंबर अक्टूबर के महीने में ही देखने को मिलेगी। इसलिए कवि कह रहा है कि मैं इन ओस की बूंदों का ही आनंद लेना चाहता हूँ, इनके आगे मेरे सामने जो भी है वो सब फीका है। ना तो मैं सूर्य के दर्शन करना चाहता, ना मैं इस धूप का, मैं तो सिर्फ इस ओस की बूंदों का ही आनंद लेना चाहता हूँ। तो ये थी कविता हरी हरी धूप पर ओस की बूंदें। तो कवि कहना चाहता है कि हमें छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना चाहिए। धन्यवाद।